अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए रमजान स्पेशल किड स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, चिकन पैटी बर्गर, जो कि बहुत इजी है। ये देखने पैटी हमारी कितनी परफेक्ट बनी है, अंदर से जितनी जूसी है, ये ऊपर से जितना कलर है अंदर से इतनी जूसी और सॉफ्ट है, ठीक है, और इस फुल ऑफ फ्लेवर्स है। आप लोग इसको एक दफा जरूर ट्राई करें। चले देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए नहीं, हम बनाना शुरू करते हैं। हरा प्याज था, ये मैंने दो हरे प्याज थे वो लेकर, तो उसको काट के रख दिया। ये चला जाएगा चॉपर में। चिकन ब्रेस्ट है, बड़े साइज की है, देख सकते हैं आप, दो है, ठीक है। इसको मैं काट लूंगी रफली, क्योंकि हम बर्गर पैटीज पहले बना रहे हैं, तो पैटीज होती है बिल्कुल, आपने उसको स्मूथली उसको हमने ग्राइंड करना है, ठीक है। वो कीमे से नहीं बनेगी, कबाब वगैरह कीमे से बनते हैं, जो पैटीज है उसको हमने चॉपर में डालकर बिल्कुल अच्छे से उसको हमने ऊपर, ठीक है। देख लें, ये आधा किलो से ज्यादा ही है, ठीक है, इतनी बड़ी चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। ये आप ऐड कर देंगे इसमें चॉपर में। देख लें चलेगी, फिर आप इसको, स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाती हैं, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल रहे हैं। एक टेबल स्पून इसमें मायोनीज चली जाएगी, तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब, थोड़ी जूसी सी हमारी बनेगी, ठीक है। हाफ अ टी स्पून के करीब वाइट पेपर पिसी हुई, सफेद मिर्ची जो होती है वो डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, मैं इसमें एक टी स्पून के करीब सॉल्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। गार्लिक पाउडर इसमें चला जाएगा तकरीबन एक टीस्पून। आप चाहें अगर आपके पास गार्लिक ना हो पाउडर फॉर्म में, तो आप इसको दूसरा देकर उसको भी ग्राइंड कर दे, इसके अंदर ही डाल दे, क्योंकि अच्छे से इसको जैसे बस यही इसमें स्पाइसेस डालनी है, इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगी। इसको मैं अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा ग्राइंड करके लेके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैं इसको मिक्स करके ले आई हूँ, इस फॉर्म में आ जाएगा, देखने बिल्कुल पैटी की फॉर्म में आ गया, सारी चीजें अच्छे से इसमें मिक्स होती है। बेसिकली जो पैटीज बनती है वो इसी तरीके से बनती है कि उसको अच्छे से आपने, अब इसको मैं रेस्ट दे दूंगी तकरीबन 10 मिनट का फ्रिज में रखकर, बाहर नहीं आपने इसको रखना, आजकल मौसम चेंज है, आप इसको फ्रिज में रख के इसको 10 मिनट्स का रेस्ट दे दें, देन फिर इसके इंशाल्लाह आपको बर्गर्स बना के दिखाते हैं। इसको रेस्ट दे दिया फ्रेंड हमने मिक्सर को, अब आपने कोई भी पैटी के इक्वल कैप ले लेना घर में से, और ये जो ये देखें इस तरह से इस पे करना, ठीक हो गया। इसको आपने काट देना है, जरा हम उसको इवनली शेप देने के लिए ये प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, ठीक है, पैटीज हैं लेकिन वो ज़्यादा शेप में अच्छी लगती है, ठीक है। ये देख लें, फिर आपने मिक्सर उठाकर इस तरह से इसको प्रेस करना है ताकि नीचे तक अच्छी सी शेप बन जाए पैटी की, ठीक है। और हमें इतनी ही थिक चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा जूसी और वो करें, इतनी थिक, देखने आप कैप कितना मोटा है, वो ज़्यादा बारीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि चिकन है ये, बीफ वगैरह नहीं है जिसको टाइम लगेगा, चिकन है ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें इस तरह से इसको इक्वल कर लेना, एक तो ज़्यादा मैस भी क्रिएट नहीं होगा क्योंकि इसका मिक्सर ज़रा थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। ये देख लें, अब मैं इसको पैन की तरफ आपको लेके जाती हूँ, उसको बताती हूँ आप किस तरह से इसको डालेंगे पैन में। पैन गर्म हो गया, उसमें आप ऑयल डालें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, बस शैलो फ्राई करना है हमें इसको, ठीक है, 3-4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा उसके अंदर। ये चला गया, थोड़ा सा गर्म ही है पैन, बहुत ज़्यादा गर्म उसमें नहीं डालेंगे, और देख लें इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको, हाथ थोड़े से गीले कर लें अगर शेप थोड़ी सी मेरी से अदरवाइज परफेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से सारी ही पैटीज मैं बना लूंगी, और आपने इसको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, आपने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाना। ये फ्रेंड्स हमारी 5 साइज की बनी है, दो चिकन ब्रेस्ट है उसमें। अगर आप थोड़ी पतली बना रहे हैं, मैंने ज़्यादा मोटी बनाई है बर्गर्स के हिसाब से, अगर आप थोड़ी पतली बना रहे हैं तो आपकी 6 आराम से बन जाए। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए, अब आपने आराम के साथ इसको ले देखें पलट के, चिकन है और चिकन ब्रेस्ट तो आपको पता है बहुत जल्दी से कुक हो जाती है, तो ये इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं एजेस
तला है, ये देखें नहीं आ रहा ना, तो इसको आप यूं पकड़ के तला आपने, ठीक है, ताकि एजेस पे भी आ जाए। पक तो चुकी है ये अच्छे से अंदर से, बट कलर के भी आप इस तरह पकड़ पकड़ के बन रहा है। फ्रेंड पैटी को आपने पैन में ही रखनी है और साथ साथ आप इसकी अब बन जो है उसको टोस्ट कर, ठीक है, पैटीज आपकी ताकि एक एजेस से भी हो जाए, ठीक है, इसको साथ साथ आप घुमाते रहे, एक तो गर्म रहेंगी ऊपर से, इसको असेंबल करते हुए इतने अच्छे से साइडों से भी कलर आते हैं। वो ज्यादा हमें बस हल्का सा टोस्ट करना है कि बर्गर्स में थोड़े से गर्म हो जाए बर्गर्स, देन इसको मैं आपको असेंबल करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने टोस्ट कर लिया तवे पर, ठीक है, इसमें आपने मायोनीज लगानी, सिंपल मैं मायोनीज बनाने लगा रही, ठीक है, मेन था कि आपको मैं पैटी बनाना सिखाऊं, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी बहुत सही रहती है, ठीक है। ये लगा दी, इसमें आप बर्गर पैटी लगा दें, ठीक है, एक हम लगा देंगे इसके अंदर टमाटर का स्लाइस और सैलेड लीफ या आइसबर्ग जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो और वो डिसाइडेड हम यूज करके ना, ठीक है, अगेन जो इसका टॉप है इसको भी मैं मायोनीज लगा दूंगी, गर्म आ गई है और ये हमारा बजट जो है पैटी बजट बिल्कुल रेडी, ठीक है। इसी तरह हम अंडरवेल बना लेंगे, आप लोग इसको एक दफा जरूर ट्राई करेंगे, यकीनन बच्चों को घर वालों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको लाइक पसंद आए तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पैटी बजट कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।